नज़रुद्दीन शेख, आज हम देखेंगे MSCIT जॉब रेडीनेस सेशन नंबर 27 का सेशन कम्प्लीशन टेस्ट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, द डैश सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली टू डिजिट 0 और 1। इनमें से कौन से सिस्टम में सिर्फ दो डिजिट आते हैं 0 और 1? क्या वो डेसिमल है या बाइनरी है या बाई डेसिमल या ट्राई डेसिमल? तो बाइनरी सिस्टम में दो डिजिट्स आते हैं 0 और 1। कंप्यूटर लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज। यूनिकोड इज़ अ 16-बिट कोड डिज़ाइन टू सपोर्ट इंटरनेशनल लैंग्वेजेस लाइक चाइनीज एंड जापानीज। ट्रू और फॉल्स? तो यूनिकोड जो एक लैंग्वेज है उसमें 16-बिट कोड सपोर्ट करता है वो, बाकी ASCII और EBCDIC जो होता है तो उसमें 8-8 बिट का होता है सपोर्ट। तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज जैसे कि चाइनीज और जापानीज दोनों को सपोर्ट करेगा, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर्स यूज ASCII यानी कि ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर। तो पर्सनल कंप्यूटर्स में ASCII कोड्स इस्तेमाल होते हैं रिप्रेजेंट करने कैरेक्टर्स, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेसिमल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली टू डिजिट्स 0 और 1। तो डेसिमल में 10 आते हैं, 2 नहीं आते, बाइनरी में 2 आते हैं, और बाइनरी नंबर 0 और 1 इसका कलेक्शन जब 8 बिट का होगा तो बाइट बनता है, और 1024 बाइट्स का मिलके 1 KB यानी किलो बाइट, 1024 KB का मिलकर 1 MB बनेगा यानी मेगा बाइट्स, 1024 MB का मिलकर 1 GB बनेगा गीगा बाइट्स, और 1024 GB का मिलकर 1 TB टेरा बाइट्स इस तरह से। तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट, तो इसे हम सेशन एंड लिखकर इसे एंड कर देंगे। और हमें यहाँ पर ये कंफर्म देखना होगा कि यहाँ पर से ग्रीन हुआ या नहीं, अगर ये ग्रीन हुआ है तो परफेक्ट वो सबमिट हुआ है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लोड लेते वक्त में वो ग्रीन नहीं हो पाता, जिससे वो छोड़ सकता है वीडियो। नेक्स्ट, इसमें 4 out of 4 मिल चुके हैं। तो ये था हमारा सेशन कम्प्लीशन टेस्ट नंबर 27। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका सेशन नंबर 28। थैंक यू वेरी मच।